फॉरबिसगंज प्रखंड क्षेत्र की शंकरपुर गांव की एक 18 वर्षीय बीटेक इंजीनियरिंग नालंदा इंजीनियर कॉलेज की छात्र आनंद ने महज कुछ घंटों की मेहनत से एक सैनिटाइजिंग टनल का निर्माण कर दिया। यहां बताती चली कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन है, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। निर्माणकर्ता आनंद कुमार बताते हैं कि इस टनल से गुजरने मात्र से पूरा बॉडी को सैनिटाइज किया जा सकता है। इस टनल को बनाने में उनके सहयोगी के रूप में उनके बड़े भाई समान पवन कुमार साहब, साथ ही उनके भाई सुधांशु चौरसिया, संदीप चौरसिया सुदीप ने उन्हें इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में उनकी काफी मदद की। उनके पिता विनोद चौरसिया एवं त्रिभुवन ठाकुर, साथ ही दीप नारायण भगत, सत्य नारायण भगत, नरेश भगत, गोपाल मंडल, योगेश मंडल, अमोल मंडल, बिंदीश्वरी साह, चंद्रकांत, कृष्णा और सोनू ने उन्हें प्रोत्साहन दिया, जिससे प्रेरित होकर आनंद ने बहुत कम ही समय में एक अद्भुत आविष्कार कर दिया। साथ ही आनंद कुमार ने सारे प्रोजेक्ट के फंडिंग के लिए महेश ठाकुर का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि महेश जी के फंडिंग के कारण ही इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाया जा सका। क्या लगता है लोगों को, किस हद तक ये फायदा पहुंचा सकेगी आपका ये छोटा सा आविष्कार? ये फुल बॉडी सैनिटाइज का है, जिससे कि फुल बॉडी पूरा सैनिटाइज हो जाता है। इसमें एक बार इन कीजिएगा स्विच दिया हुआ है, स्विच देते ही आप इन कीजिएगा वो वहाँ से फॉर्म चलेगा आप पूरे इंडियन सिटीजन के लिए। इसको आप प्राइवेट संस्थान से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक में जहाँ भी आप यूज करना चाहते हैं इजी वे में इसको यूज कर सकते हैं। क्या चीज से ये चलता है? ये इसमें एक मोटर लगा हुआ, आप इसे डीसी और एसी दोनों में किसी से कनेक्ट करके चला सकते हैं। क्या आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हुए आप? मेरा घर शंकरपुर सरगंज पंचायत हुआ और अरगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और मेरी पढ़ाई जो है 10th तक मैंने सरस्वती विद्या मंदिर फर्गन से 10th की किया, साथ में मैंने प्लस टू फर्गन कॉलेज फर्गन से किया। आफ्टर दैट अभी मैं करेंटली नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टिंग कर रहा हूँ।